नमस्कार दोस्तों, क्या आपका चैनल भी पुराना है और ग्रो नहीं हो रहा? आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी ग्रो नहीं हो रहा। ग्रो कैसे होगा, क्यों होगा, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ग्रो होने में एक मेन चीज़ है आपका कंटेंट। आप कंटेंट सुधारो। कंटेंट कैसे सुधारोगे? एक तो कंटेंट आप ऐसा रखो कि जो कंटेंट एक स्पेसिफाई रहना चाहिए। स्पेसिफाई यानी सबसे अलग, और एक वही कंटेंट के ऊपर आप रेगुलर वीडियो अपलोड करते जाओ। अभी आप वीडियो बना रहे हो कोई ट्यूटोरियल्स एजुकेशन का और दे रहे हो, उसमें आप डीजे सॉन्ग बीच में या व्हाट्सएप स्टेटस का वीडियो चढ़ा दी, तो यानी आपकी जो कम्युनिटी है, जो जिसकी यानी मांग और आपूर्ति, आप समझते रहेंगे मांग एंड आपूर्ति कैसे कैसे, तो आपके सब्सक्राइबर फिर घट जाते हैं, फिर चैनल ग्रो नहीं होता। कभी आपका सजेस्ट में नहीं जाता वीडियो, कभी डिस्कवरी में नहीं आता। तो फ्रेंड्स, मेनली जो आपका है कंटेंट, कंटेंट को बेटर बनाएंगे तो अपना चैनल ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा। पुराने से पुराने चैनल को ग्रो करना है तो आप मेनली एक ही कंटेंट के कुछ वीडियोज आप उसमें दीजिए, फिर आप एक रेगुलरिटी भी रखें अपने वीडियोज में। तो रेगुलरिटी रखेंगे तो अपना वीडियो ऑटोमेटिक ग्रो में आएगा। फिर मेटा डाटा जो होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन टैग्स, चैनल टैग्स, ये सब चीज़ें आप अपने वीडियोज अपने चैनल में रखेंगे। और ऑडियंस की रिटेंशन, मेनली क्या है, ऑडियंस रिटेंशन, जो YouTube 2020 में जो अभी अपडेट हुआ था कि आपका वीडियोस कैसे ग्रो होगा। अरे भैया, अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा तो अपना वीडियो अपना चैनल ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं लेके जाता हूँ, अगर आप ये कुछ जो भी है ये कर लेंगे तो अपना वीडियो ऑटोमेटिक रैंकिंग में हो जाएगा, और जैसे ही वीडियो रैंकिंग बुक करेगा अपना चैनल ग्रो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए छोटा सा टिप्स आपके लिए, आपका पुराने से पुराना चैनल भी ग्रो हो जाएगा, विश्वास कीजिए। और देखते रहिए आरएल थ्योरी।